लोकसभा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को चर्चा के बाद मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पेरिस ओलंपिक पर जारी किया स्मारक डाक टिकट। प्रदेश के महाविद्यालयों में आज मनाया जा रहा है दीक्षारंभ समारोह, नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर किया गया स्वागत। और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में शिकारियों के जाल में फंसकर घायल हुआ तेंदुआ, वन विभाग ड्रोन कैमरे से कर रहा है निगरानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं अंकित मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने इस वित्तीय वर्ष के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों को चर्चा के बाद मंजूरी दे दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन पिछले 10 वर्षों में 33,278 करोड़ रुपए से बढ़कर 90,958 करोड़ रुपए हो गया है। कुल बजट में से 55% राशि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से खर्च की जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार धीरे धीरे स्वास्थ्य बजट बढ़ा रही है। वर्तमान में यह सकल घरेलू उत्पाद के 1.9% तक पहुँच गया है। प्रोएक्टिव होकर के इस पर पूरी दृष्टि डाल करके बजट एलोकेशंस के बारे में चिंता की और चर्चा की है। मैं यहां अगर आपको बताना चाहूंगा कि बजट को हम लोगों ने किस तरीके से देखा, तो 2013-14 में बजट 33,278 करोड़ रुपए थे, आज वही बजट 90,958 करोड़ रुपए हो गया है। यानी हेल्थ को क्या प्रायोरिटी दी गई है और ये एलोकेशन लगभग 164% 164% का इजाफा इंक्रीज हुआ है। यह अपने आप में बताता है कि हमने प्रायोरिटाइज करने में हेल्थ को कितना महत्वपूर्ण स्थान दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कुल 22 एम्स स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 18 चालू हैं और 4 निर्माणाधीन हैं। श्री नड्डा ने आगे बताया कि सरकार मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना लागू कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत जनऔषधि केंद्रों से कुल 13,000 आउटलेट चालू हैं और मोदी सरकार ने अगले 5 वर्षों में ऐसे 25,000 और केंद्र खोलने का फैसला किया है। पूरे देश की नज़र इस वक्त पेरिस ओलंपिक पर है और इस बार भी भारत पेरिस ओलंपिक में कमाल कर रहा है। अब तक भारत 3 मेडल घर ला चुका है। इस बीच डाक विभाग ने पेरिस ओलंपिक का जश्न मनाने के लिए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इस मौके पर भारत के खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे। दोनों ने मिलकर इस डाक टिकट को लॉन्च किया। इस मौके पर खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि पेरिस ओलंपिक चल रहा है, जिससे हमारे खिलाड़ी देश के लिए खेल रहे हैं, खेल एक जीवन है। उन्होंने कहा कि आज हमसे डाक स्मारक टिकट जारी किया है, ये डाक स्मारक टिकट हमारे खिलाड़ियों के लिए यादगार पल है। खेल मंत्री ने आगे कहा, मोदी सरकार में खेल को बढ़ावा देने के लिए कई काम किए गए हैं, फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं। तो फिट इंडिया इस स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ विषय है। देश के नागरिक हेल्दी रहेंगे तब जब वो फिट रहेंगे। फिट व्यक्ति हेल्दी नेशन का निर्माण करेगा और हेल्दी नेशन ही वेल्दी नेशन का निर्माण कर सकता है, और इसलिए वेल्दी नेशन के रूट में फिट इंडिया पड़ा हुआ है, खेल पड़ा हुआ है, स्पोर्ट्स पड़ा हुआ है। ये स्पोर्ट्स हर व्यक्ति के जीवन में संचार लाए, हर व्यक्ति कोई ना कोई विषय के द्वारा स्पोर्ट्स के साथ जुड़े और अपने स्वयं को भी फिट रखे और देश को हेल्दी भी बनाए। दोस्तों, देश में प्रधानमंत्री जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए
कंपटीशन में सक्सेस रहने के लिए ग्रास रूट से प्रयास किया गया। पेरिस ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल के टीम गेम में कांस्य पदक जीतने वाले सरबजोत सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस बार भारत से 117 खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं, जिसमें 70 पुरुष और 47 महिला एथलीट शामिल हैं। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पार्टी चाहिए, पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज़्ज़ा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कूलों में आयोजित होने वाले शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम की तर्ज पर आज दुर्ग के महाविद्यालयों में भी दीक्षारंभ समारोह का आयोजन किया जा रहा है। समारोह में नवप्रवेशी छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर स्वागत किया गया। दुर्ग के शासकीय विज्ञान महाविद्यालय में आयोजित दीक्षारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों का तिलक लगाकर स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समारोह के दौरान मेधावी विद्यार्थियों को बैच लगाकर कॉलेज का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया। विधायक गजेंद्र यादव ने नवप्रवेशी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार की नई शिक्षा नीति तथा योजनाओं से अवगत कराया गया है। दीक्षा समारोह पूरे प्रदेश में एक साथ देश में सारे महाविद्यालय हो रहे हैं और आज हमारे दुर्ग के गौरव संस्था मेरे कहने का सौभाग्य मिला। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो परिकल्पना की है कि जो नई शिक्षा नीति व्यवहारिक चीज़ें उसमें जोड़ा गया है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और बहुत सारे जो विषय हैं उन्होंने जो जोड़े हैं, जिससे यहाँ के बच्चों को नवाचार करने में बहुत सहयोग मिलेगा। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर M.A. सिद्दीकी ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को महाविद्यालय में उपलब्ध सभी विभागों तथा शैक्षणिक सुविधाओं से अवगत कराना है। बच्चे नव प्रवेशित हैं तो उन्हें अपने साथ बिठा के उनके पालकों के साथ इस महाविद्यालय की बातें प्लस नई जो शिक्षा नीति 2020 है उसके बारे में विस्तार से बताया जाए। और अभी जो टेक्निकल सेशन है वो जारी है, अभी पहला भाग हुआ जिसमें बच्चों को स्वागत और मोटी बातें बताई गई। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भी नई शिक्षा नीति पर अपने विचार रखे। समारोह में विद्यार्थियों के अलावा उनके अभिभावक भी मौजूद थे। वहीं दुर्ग जिले के कुम्हारी स्थित स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल स्मृति शासकीय महाविद्यालय में भी आज दीक्षारंभ समारोह मनाया गया। कॉलेज में नवप्रवेशी छात्रों का शुभारंभ करने स्वागत करने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर छात्रों से चर्चा की और उम्मीद जताई कि जल्द ही इस महाविद्यालय में सुविधाओं का विस्तार होगा। स्वर्गीय बिंदेश्वरी बघेल स्मृति महाविद्यालय शासकीय महाविद्यालय में आज दीक्षारंभ कार्यक्रम हुआ और जो नव प्रवेशी जो छात्र छात्राएं हैं उसका सम्मान किया गया और वृक्षारोपण भी यहाँ हुआ है। तो नया कॉलेज है और भवन का अभाव है, हालांकि बजट में सेंक्शन है लेकिन अभी उसे टेंडर वगैरह नहीं लगा है। अधिकारियों से ही चाहूँगा कि चूंकि रायपुर और भिलाई के बीच में एक ही महाविद्यालय है कुम्हारी का और छात्र छात्राओं की दर्ज संख्या भी ठीक ठाक है, करीब 300 के आसपास दर्ज संख्या है और कमरे के बड़े अभाव हैं। ज़मीन इलाट हो चुका है, हालांकि ज़मीन 5 एकड़ है, उसको 2 हेक्टेयर किया, उसे 5 हेक्टेयर किया जाना चाहिए क्योंकि भविष्य में ये बड़ा महाविद्यालय बन सकता है, क्योंकि आसपास के जो छात्र छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारी आवागमन के दृष्टिकोण से, तो इसलिए उसमें 5 हेक्टेयर ज़मीन में बनना चाहिए। और दूसरा, बजट इलाट हो चुका है, अब उसे टेंडर की प्रक्रिया करें। इस मौके पर विद्यार्थियों के अभिभावक और जनभागीदारी समिति के सदस्य भी मौजूद थे।
गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश पर आज प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में दीक्षारंभ समारोह आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य नवप्रवेशी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों से अवगत कराना है। जांजगीर चांपा जिले के कापन गांव के भारतीय सेना में हवलदार मेजर अशोक श्रीवास दक्षिण सूडान में शांति सैनिक की ड्यूटी करके लौटे हैं। इस दौरान परिवार और गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। हवलदार मेजर अशोक श्रीवास दक्षिण सूडान में फोर्स सिग्नल यूनिट में तैनात हैं, जिन्हें 193 देशों के साथ सर्विस करने पर फोर्स कमांडर साइटेशन दिया गया है। वे जिले के पहले ऐसे सैन्यकर्मी हैं जिन्होंने दक्षिण सूडान में शांति सेनानी के तौर पर अपनी सेवाएं दी है। उन्होंने बताया कि सूडान में काफ़ी बुरे हालात हैं। मैं 6 दिसंबर 2023 को गया साउथ सूडान में, मेरा पीस कीपर के रूप में पोस्टिंग हुआ। मैं वहाँ 8 महीने से लगातार अपना सेवा प्रदान किया। वहाँ मेरा काम था कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन, लोगों का प्रोटेक्शन करना। वहाँ 6 संगठन काम कर रहे हैं इस साउथ सूडान में, और इस मिशन के दौरान वहाँ देखा कि प्राकृतिक रूप से खनिज संपदा से भरा पड़ा साउथ सूडान, बट वहाँ गरीबी है, बहुत है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लोग गरीब हैं, और वहाँ ना ही वहाँ कोई सरकार है जो कि उनका मदद करे। इसलिए यूनाइटेड मिशन जो है, जिसमें 193 देश काम कर रहे हैं, इस 193 देशों से कुछ न कुछ, कोई आटा देता है, कोई चावल देता है, कोई टमाटर देता है, कोई प्याज देता है, जिससे जो बन सकता है वो सब कुछ उस देश को प्रदान करते हैं, और मैं वहाँ से अभी वापस हुआ हूँ। हवलदार मेजर अशोक श्रीवास को अब तक विदेश सेवा मेडल, यूनाइटेड मिशन मेडल, नागालैंड मेडल, 9 ईयर, 20 ईयर, 75 ईयर मेडल, जम्मू कश्मीर ऑपरेशन रक्षक डबल मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने जम्मू कश्मीर सहित अनेक राज्यों में काम किया है। वे राष्ट्रीय राइफल में भी सेवाएं दे चुके हैं। गौरतलब है कि युद्धग्रस्त अफ्रीकी देश दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत भारतीय सेना के जवानों को मानवीयता, सहायता, संरक्षण और मानवाधिकारों की रक्षा करने के लिए तैनात किया गया है। गरियाबंद जिले के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व एरिया में वन प्राणियों के शिकार करने के लिए लगाए गए जाल में एक तेंदुआ फंस गया। घायल तेंदुए की दहाड़ से आसपास के गांवों में दहशत फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गया। वन विभाग द्वारा ड्रोन कैमरा के माध्यम से जाल में फंसे तेंदुआ की निगरानी की जा रही थी। तेंदुए को बेहोश होकर फंदा निकालने के लिए नंदनवन से डॉक्टर भी बुलाए गए। इस बीच तेंदुआ जाल से निकलने में सफल हो गया और जंगल की तरफ भाग निकला। इस दौरान तेंदुए के हमले में एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है। इस घटना की पुष्टि करते हुए उदंती टाइगर रिजर्व के उप निदेशक वरुण जैन ने बताया कि घायल तेंदुआ की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जा रही है ताकि उसका इलाज किया जा सके। तेंदुआ जो है वो किसी किसान के लाड़ी के पास में जो है फंस चुका है, जो कि रस्सी का जाल और क्लच वायर्स का जाल संभवतः जंगली सुअर के शिकार के लिए उन्होंने लगाया था शिकारियों ने, जिसमें तेंदुआ जो है फंस गया था। इसकी सूचना मिलते ही वन अमला जो है सक्रिय हो गया था, और हमारे परिषद अधिकारी श्रीमती प्रतिभा मेश्राम एवं SDO श्री गोपाल कश्यप मौके पर पहुंचे और ड्रोन की सहायता से जो है सबसे पहले देखा कि कहाँ बंधा हुआ है रस्सी और कहाँ उनके तेंदुआ के कमर में कैसे किस प्रकार से बंधा हुआ है, किस प्रकार उसका उपचार किया जाना है। तो उसी के साथ हमने जो रायपुर जंगल सफारी की डॉक्टर्स की टीम को भी बुला लिया था ताकि उसको निश्चित करके जो है उसका उपचार किया जा सके, लेकिन उन टीम को आने के पहले ही जो है तेंदुआ वहां से जो है जाल तोड़ के जो है रस्सी तोड़ के वो सुरक्षित वन क्षेत्र में चला गया, जिसकी मॉनिटरिंग अभी की जा रही है ट्रैप कैमरा से, ताकि अगर क्लच वायर से वो घायल हुआ तो उसका उपचार किया जा सके। इस बीच वन विभाग की टीम ने शिकारियों की तलाश भी शुरू कर दी है। आसपास के कई गांवों में वन विभाग की छापेमारी में अलग अलग घरों से 131 नग क्लच वायर बरामद हुए हैं। वन विभाग अब जंगल में शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदे को ढूंढने सर्च अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।